सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कामयाब लोगों की चमक तो सभी को दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच ना हो तो तरीका बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महान पुरुष ने सच ही कहा था कि जब पुस्तकें सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। आज का पंचांग 13 नवंबर 2022 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 12:51 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सुबह 10:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सम 4:20 से 5:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 6:30 तक 14 नवंबर तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। सूर्य नक्षत्र विशाखा। सिंह राशि 13 नवंबर 2022 दिन रविवार। अपने दुख को रहस्य न रखें। अगर आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन गया है तो शांति और मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की राय लें। अचानक मिला धन योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। बुराइयों से बचें और इसकी जगह नेचर का मजा लें। आज अपने सपनों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। अपने जीवन में दोस्ती के रंगों को अनुभव करें और एक क्षण का मजा लें। नए दोस्तों को बनाकर नए विचारों के आदान प्रदान में अपनी ऊर्जा को खर्च करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, पर आपके काम से मिली पहचान पूरी उम्र रहती है। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होगा तथा आपसी वार्तालाप से कई मुद्दों का हल भी मिलेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधित कुछ योजनाएं बनेगी। आपकी कोई विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। इस समय आप पूरी तरह कोश में रहेंगे। हर एक काम में सतर्कता रखने की कोशिश करें। अपनी चिंता के कारण अन्य लोगों को इनसिक्योर महसूस ना होने दें। जितनी बेचैनी रहेगी उतना फोकस कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान लगाएं। काम की जगह बढ़ते कंपटीशन को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें। पार्टनर के लिए प्रतिशोध की भावना बढ़ सकती है, इसे बढ़ने ना दें। पैर दर्द और घुटनों से संबंधित तकलीफ बढ़ने की संभावना है। सावधानियां, कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनेगी। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद की आशंका बन रही है, परंतु जरा से सावधानी और सूझबूझ द्वारा परिस्थितियां संभल जाएगी। समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन भी करते रहना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में कुछ तनावपूर्ण माहौल बनने की आशंका है। बेहतर होगा कि पारिवारिक व्यक्ति आपस में ही बैठकर समस्याओं का समाधान करें। अपने गुणों और मानसिक शक्तियों के कारण आप वो सब कुछ पाने में सक्षम हैं जिसकी भी आपको इच्छा है। अपनी चाहत का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना ना भूलें। इससे आपका रोमांटिक जीवन और भी स्पाइसी बन जाएगा। सफर करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। रोमांस और दोस्ती आपके जीवन में कई रंग लेकर आए हैं। इन आनंददायी पलों का पूरे दिल से स्वागत करें। नए लोगों से बात करें और अपने विचारों को बांटें। लोगों से मिलकर त्योहारों का मजा लें। बस अपने प्यार को नजरअंदाज ना करें। अपने पार्टनर को खास महसूस कराने के लिए उन्हें अपनी चाहत का एहसास कराएं। बात करते हैं करियर की। आज आपकी योजनाएं या काम पूरे होने की संभावना कम है, किंतु आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। किसी की बुराई या दोष निकालने से अच्छा है खुद के विचारों को शुद्ध करना।
नया व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। नेटवर्किंग आज आपके लिए मुख्य शब्द है जो आपके सपने पूरे करने में आपको मदद कर सकता है। उस दोस्ती का अनुभव करें जो आपको गुदगुदाती है और इस समय का आनंद लें। नई शुरुआत की भी संभावना है। सामुदायिक सेवा आपके लिए उपयोगी हो सकती है। ध्यान केंद्रित करें, पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। उचित आराम भी लेना जरूरी है। अत्यधिक भागा दौड़ी की वजह से थकान और सिर दर्द रहेगा। पैर दर्द और घुटनों से संबंधित तकलीफ बढ़ने की संभावना है। आज का उपाय, आज अब सूर्य भगवान जी की आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।